कुल्लू जिला के आनी को एचआरटीसी का सब डिपो तो मिला, लेकिन ना तो कोई अतिरिक्त सुविधाएं दी गई और ना ही यहां कोई पद भरा गया। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने 11 मई को आयोजित जिला स्तरीय आनी मेले के दौरान एचआरटीसी के सब डिपो का उद्घाटन किया और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 25 जनवरी को आनी में सब डिपो खोलने की घोषणा की थी। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने मई में आनी को सब डिपो समर्पित किया, लेकिन सुविधाओं की बात करें तो वही पुरानी सुविधाएं यहां पर मौजूद है जो वर्ष 2015 से उपलब्ध थी। सब डिपो बनने के बाद ना तो कोई अलग से बसें मिल पाई है और ना ही स्टाफ मिल पाया है, लिहाजा आनी में सिर्फ सब डिपो की उद्घाटन पट्टिका लगाने के अलावा कोई नई सुविधा नहीं मिली। ऐसे में आनी का ये सब डिपो सिर्फ कागजों में ही सब डिपो बन पाया है। सब डिपो का संचालन करने के लिए ट्रैफिक मैनेजर तैनात किया जाता है, लेकिन यहां पर कोई भी ट्रैफिक मैनेजर तैनात नहीं है। एचआरटीसी के इस सब डिपो का संचालन करने के लिए ट्रैफिक मैनेजर का कार्य इंस्पेक्टर से चलाया जा रहा है। लोगों को उम्मीद थी कि सब डिपो मिलने के बाद काफी सारी सुविधाएं उन्हें मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एचआरटीसी के अधिकारियों की माने तो आनी में उनका टायर प्लांट चल रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि टायर प्लांट के नाम पर सिर्फ पंक्चर टायरों में ही पैच लगाए जाते हैं। टायर में किसी तरह के रबड़ आदि चढ़ाने का काम भी यहां पर नहीं होता। वहीं स्टाफ की कमी के कारण स्कूली बच्चों के पास बनाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सीपीआईएम के युवा नेता व जिला परिषद सदस्य लोकेंद्र कुमार ने कहा कि परिवहन मंत्री ने इस सब डिपो का गैर संवैधानिक तरीके से उद्घाटन किया, जबकि इसे कैबिनेट में भी स्वीकृति नहीं मिली है और आनन फानन में लोगों को ठगने के लिए सब डिपो खोला गया। 25 जनवरी को सीएम साहब की अनाउंसमेंट थी कि आनी के अंदर जो है बस सब डिपो बनेगा, और उसके बाद आनी मेले के क्लोजिंग के अंदर जब मंत्री साहब ने उसका उद्घाटन भी कर दिया सब डिपो का, और उसके बावजूद बोला था कि यहाँ पे जो है एक मैनेजर की पोस्ट है उसको रिक्रूट किया जाएगा, पर अभी तक वो रिक्रूटमेंट भी नहीं हुई, और बोला था कि बसेज भी वहाँ पे आएगी, वो बसेज भी वहाँ पे नहीं आई है। पर सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह है सरकार की कार्यप्रणाली के ऊपर कि बिना कैबिनेट की मंजूरी दिए वहाँ पर उसका उद्घाटन कर दिया गया है, और उद्घाटन करने के बाद इतने महीनों बाद भी वहाँ पर अभी तक कोई सुविधा जनता को नहीं मिली है। इसका मतलब कि भाई या तो आउटर सराज की जनता को सरासर सरकार के लोगों के द्वारा जो है मूर्ख बनाया जा रहा है, और इन भोले भाले लोगों के लिए जो सुविधा मिलनी चाहिए थी उसे उनको वंचित रखा जा रहा है। अब जब आप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर अनाउंसमेंट करते हैं कि यहाँ पे फलानी चीज़ बनेगी, यहाँ पे कोई सब डिपो बनेगा या फिर कुछ अग्निशमन केंद्र बनेगा, इसका मतलब ये कि वो फाइनलाइज नहीं होता है। वो जब तक कैबिनेट के अंदर मंजूरी नहीं होती है, कैबिनेट का मतलब कि वो जो एक पक्ष रखा जाता है कैबिनेट के अंदर कि ये चीज़ें वहाँ पे अनाउंस की गई है और उसके जो संवैधानिक जो नियम होते हैं उसके मुताबिक कैबिनेट में फाइल पास होती है, उसके बाद जो है वहाँ पे उद्घाटन वगैरह किया जाता है। इसलिए जो है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर है वो इस संविधान के बिल्कुल खिलाफ ये काम कर रही है, और लोगों को ठगने के अंदर जो है बहुत महारत हासिल इनकी पहले से भी। आपने सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।